जनपद में नदी का पानी एवं बरसात समाप्त होने के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जनपद में कल 59 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसमें से 2 मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि बरसात के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जनपद में 59 मरीज पाए गए हैं, जिसमें 2 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि घर के अंदर किसी भी पानी रुकने वाले वस्तु को ना रखें तथा फ्रिज कूलर के पानी को हफ्ते में साफ करते रहें तथा फुल आस्तीन का कपड़ा पहने। बच्चों को स्कूल भेजते समय फुल आस्तीन का कपड़ा पहनाएं तथा मच्छर विरोधी अपने शरीर पर क्रीम लगाएं। उन्होंने कहा कि घर में तुलसी, गेंदा और लेमन ग्लास का पौधा लगाएं, जिससे मच्छर से बचाव किया जा सके। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करें और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा रही हैं उनका भरपूर सहयोग करें। उन्होंने बताया कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कहीं पर डेंगू पनपने ना पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरह की स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी? देखिए, डेंगू की बारिश के बाद से डेंगू के मरीजों की संख्या में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, और इस वृद्धि के कारण जो है जनपद भी नहीं रहा है, और वर्तमान समय में 59 केसेज हमारे पास हैं, 2 मरीज भर्ती हैं, लेकिन सुखद समाचार ये है कि कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने घरों के चारों तरफ साफ़ सफाई रखें, कहीं पर भी पानी एकत्र ना होने दें, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर या मोहल्ले में। अपनी टंकियों की सफाई रखें, अपने कूलरों की सफाई करें, कोई भी जो टूटे फूटे कबाड़ छतों पर हैं उनको छाए में रख दें, और घर में फ्रीज की पानी की ट्रे को साफ करें, और कोशिश ये करें कि पूरी बांह का कपड़ा पहने, जो शरीर का खुला भाग हो उस पर मच्छर रोधी क्रीम लगाएं, और बच्चों को स्कूल में भी पूरी फॉर्म यूनिफॉर्म जो है पूरी होनी चाहिए, और खुले भाग पर मच्छर रोधी क्रीम लगा करके बच्चों को भेजें। इसके अलावा घरों में जैसे तुलसी का पेड़ है, लेमन ग्रास और गेंदे का पेड़ लगाएं, जिससे मच्छर से हम लोग बचाव किया जा सके, और सजगता सतर्कता के साथ साथ मच्छरदानी का प्रयोग करें रात में सोने के लिए, और प्रत्येक रविवार को अपने घरों का मूल्यांकन कीजिए, अवलोकन कीजिए कि कहीं पर भी पानी एकत्र ना होने पाओ। इसके अलावा लोगों को में भी जागरूकता पैदा करें, और जो हमारी टीमें, स्वास्थ्य टीमें घर घर जा रही हैं, जो घरों का निरीक्षण कर रही हैं, उनका सहयोग प्रदान करें। सर, किन क्षेत्रों में ज़्यादा मरीज पाए गए हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र में मरीज ज़्यादा हैं, खास करके वहाँ जहाँ पर सघन आबादी है, उन क्षेत्रों में मरीज़ ज़्यादा पाए जा रहे हैं।